एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और विविध आयोजनों के बीच मनाया गया। ध्वजारोहण के पश्चात 2 मिनट का मौन रखकर देश के वीर शहीदों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण कर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर वीर शहीद अमर रहे के जयकारों के बीच मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP केशरवानी, MD मेडिसिन डॉक्टर सुशांत कांडे, डॉक्टर अश्वनी आदि सहित अस्पताल के डायरेक्टर अजय तिवारी उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत बैच लगाकर और गुलदस्ते भेंट कर किया गया। ध्वजारोहण के पूर्व भारत माता के तैलचित्र पर द्वीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान में सभी शामिल हुए। प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए चेयरमैन संजय तिवारी, डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता और डॉक्टर SP केशरवानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप सभी प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आज SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के प्रांगण में 73वां गणतंत्र दिवस अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे अस्पताल के डॉक्टर्स, हमारे अस्पताल के स्टाफ, हमारी मार्केटिंग की टीम, क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकगण, सम्मानित पत्रकार बंधु एवं मरीज एवं उनके परिजन उपस्थित थे। सभी ने सद्भावनापूर्वक इस राष्ट्रीय पर्व को एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया और इस कार्यक्रम में संकल्प लिया कि हम सभी राष्ट्र हित में काम करेंगे, राष्ट्र की संपत्ति को कभी भी अपनी आंखों के सामने नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। मैं पुनः समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 2022 के हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूं एवं अस्पताल के चेयरमैन होने के नाते यह अपील करता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस अगर कहीं किसी को प्रभावित करता है या ऐसी आशंका होती है, तुरंत तत्काल अपनी जांच कराएं और समुचित इलाज लें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 73वें गणतंत्र दिवस की इस समारोह के समापन के बाद हम पुनः SR हॉस्पिटल चिखली की तरफ से संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं दुर्ग भिलाई के निवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो वक्त चल रहा है थोड़ा सबके लिए कठिन है, क्योंकि तीसरे लहर की पुनरावृत्ति हुई है। इस समारोह के द्वारा हम यह सूचना जरूर देना चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस कोरोना से बचने के लिए जो सरकार ने हमें नियम बताए हैं उसका कड़ाई से पालन हो। आपसी में दूरी रखें, हाथ और चेहरे को अच्छा स्वच्छ रखें एवं मास्क का भी सही तरीके से उपयोग करें। जो नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें सचेत करें, इससे इसी तरह से हम इस महामारी को रोक सकेंगे। हमारा हॉस्पिटल सदैव तत्पर है किसी भी टाइप के मरीजों को ठीक करने में। आशा करते हैं उसकी वो परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए तो निश्चिंत होकर आप हमारे अस्पताल में आएँ और उसका इलाज हम जरूर करेंगे। हॉस्पिटल के इस पावन इस प्रांगण में मैं डॉक्टर SP केशरवानी यह पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं नगरवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम बहुत ही संघर्ष से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और साथ ही आज के सिनारियों में, आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, उसके लिए जो गवर्नमेंट का के द्वारा जो गाइडलाइन जो दिया गया है उसका पालन करें सच्चे मन से और कोरोना से अपने आप का बचाव करें और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। आयोजन में अस्पताल के समस्त स्टाफ के साथ विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।